अमेठी की बात कर लेते हैं, जहां अब सभा के बाद अमित शाह आंचल कुंड के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अब अमित शाह आंचल कुंड पहुंच रहे हैं। दादा धूनी वाले के पूजा स्थल केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे। हरई गांव के पास है आंचल कुंड, जहां के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। तो देखिए, आज छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में हुंकार भरी है अमित शाह ने, आम सभा को जब उन्होंने संबोधित किया, और अब इस सभा के बाद वे आंचल कुंड पहुंचेंगे। दादा धूनी वाले के पूजा स्थल पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ विशेष संवाददाता निशांत बिसेन लाइव जुड़ गए इस खबर पर। निशांत जी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आंचल कुंड थोड़ी ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, वहां पर क्या कुछ नजारे? निशांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए एक बार फिर प्रयास करेंगे उनसे संपर्क करने का। तो देखिए, सभा हो चुकी है छिंदवाड़ा में, आज बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर आए थे, यहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज किया, साथ ही आम सभा को संबोधित करते हुए कई विकास कार्यों की याद दिला। कैसे डबल इंजन की सरकार आगे भी छिंदवाड़ा के विकास के लिए कार्य करती रहेगी, छिंदवाड़ा में विकास जो हुआ है उस पर बातचीत उन्होंने की। चलिए निशांत जी से हम संपर्क कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत जी, थोड़ी ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री आंचल कुंड पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आपके पास अपडेट? जी शुभांगी, एक बड़ा महत्व का दिन रहा आज बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा में। अब से थोड़ी देर पहले ही यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया बीजेपी ने, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। छिंदवाड़ा को संकल्प लिया गया कि सातों विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी जीत दर्ज कराएगी। इसके अलावा एकमात्र मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट जो कांग्रेस के खाते में है, उसे भी वापस बीजेपी अपनी में चाहती है। मुख्यमंत्री सिंह चौहान ने भी यह संकल्प दिलाया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो पूरी ताकत से 2023 और 2024 के चुनाव के लिए जुट जाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज एक तरीके से शंखनाद भी किया गया। जी शुभांगी, बिल्कुल निशांत जी, और अब थोड़ी ही देर बाद आंचल कुंड भी पहुंचेंगे, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है अमित शाह के आने से पहले? जी आंचल कुंड का अपना छिंदवाड़ा जिले के लिए महत्व है, ये आदिवासियों की आस्था का केंद्र है और ये वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस के पक्ष में हमेशा से माहौल बना रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आदिवासियों के बीच जाए, क्योंकि यहां के जो आसपास के जिले हैं, चाहे सिवनी हो, मंडला हो, डिंडौरी हो, बालाघाट हो, यहां पर बड़े आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, खुद छिंदवाड़ा भी। तो एक बड़ा राजनीतिक संदेश यहां से देना है, इसीलिए आंचल कुंड को चुना गया है। अब से कुछ ही देर में अमित शाह वहां पर होंगे, शिवराज जी वहां होंगे, बीडी शर्मा जी होंगे और तमाम नेता होंगे, और उनके बीच वो आस्था के केंद्र आंचल कुंड में पहुंचेंगे। चलिए धन्यवाद निशांत जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, छिंदवाड़ा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, पहले कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, जनता को विश्वास दिलाया, और अब आदिवासियों के एक धार्मिक स्थल हम कहेंगे दादा धूनी वाले पूजा स्थल पहुंचकर ये वहां पर दर्शन करेंगे और एक जनता को मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे।